महीने बचे हैं, अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट यहां पर दे देना। अच्छा, एक बच्चा मुझे भी यहां पर यह बात कह रहा था, बच्चों के आपके मैसेज आ रहे हैं, बच्चा ये बात कहता है सर जो आपको पता है वो आईसीए में रिफॉर्म चल रहे हैं, पता आपको आईसीए में शर्मा सर जी ने वीडियो डाली है, शर्मा सर ने वीडियो बना के डाली है और सर इवन गर्ल चेकिंग उन्होंने दिखाई है, मतलब ये पहले भी काम था और अब भाई साहब कमाल की बात देखो सर एमसीक्यूज में गलत चेकिंग हो रही है यार, एमसीक्यूज में गलत चेकिंग हो रही है। और बिलीव मी मैं शर्मा सर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ सर, ये देखो मैं तो इवन कहता हूँ कि भगवान सीएस वाले भी सुन लें, इट मीन्स आईसीएसआई भी हमारी पुकार सुने। मेरी बात तो वैसे वो मानेगा नहीं क्योंकि मैं तो सीए हूँ, वो तो ये बोलेंगे विवेक तू बोलता रहे तो वीडियो जितनी मर्जी डालता रहे, तेरी वीडियो से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि तू तो सीए है और यहाँ पर सीएस का इंस्टीट्यूट है। तो मैं पूरी की पूरी फैमिली को ये बात बोलता हूँ कि भैया अगर अगर किस दिन खड़ा होने का टाइम आया ना तो आप सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि सर आपके एग्जाम में भी रीचेकिंग नहीं है। सीए वाले देखो एक साथ सारे खड़े हो गए ना, उनकी वीडियो ट्रेंडिंग में रहती है और हमारी वीडियो ट्रेंडिंग क्या, हमारी वीडियो ट्रेंडिंग तो छोड़ दो पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है, मतलब आप सपोर्ट ही नहीं करते। जब लास्ट टाइम रिफॉर्म्स की बात थी बहुत कम बच्चों ने सपोर्ट किया, देखो रिफॉर्म्स आ गया ना, रिफॉर्म्स आया एक दिन की छुट्टी मिली ना तो क्या कुछ नहीं होता सर, क्योंकि सर आपसे ही इंस्टीट्यूट चलता है आपका, सीए इंस्टीट्यूट भी उन बच्चों से चल रहा है, सीएस भी आप लोगों से चल रहा है। देखो मैं सीए होने के बावजूद भी आपके लिए पूरी जिंदगी आपको मैं देने को तैयार हूँ, बट आप अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो काम कुछ नहीं होगा। अब बच्चा ये बात करता है सर आप बोलो ना, मैं तो बोल दूंगा सर, मैं तो बोल दूंगा, मैं तो बोलना चाहता हूँ कि मेरे सीएस के बच्चों को रीचेकिंग का दो सर, क्योंकि देखो आप में भी रीचेकिंग नहीं है, अब देखो उनमें कल कल से मेरे ख्याल से वहां स्टार्ट है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं भी वहां जाऊं। देखो मेरा भी फर्ज बनता है एज ए चार्टेड अकाउंटेंट, क्योंकि मेरा तो इंस्टीट्यूट वो है ही है, मैं भी उन बच्चों की हेल्प करूं, चाहे मैं उन्हें पढ़ाता नहीं हूं बट वो मेरे ही एक तरह से बच्चे ही हैं, मेरे भी एक तरह से बच्चे हैं, जैसे आप मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो वो भी एक तरह से मेरे बच्चे हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल मैं वहां पर जाऊं शर्मा सर के साथ, वहां पर मतलब वहां पर मैं उनसे मिलूं, क्योंकि मेरे तो एक ड्रीम है सर, वो इतने बड़े बड़े टीचर हैं, अगर वो इतना काम कर रहे हैं तो मेरा ड्रीम है कि मैं भी वहां जाकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूं। और अगर ये बात सीएस के अंदर भी आती है ना, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी करने को तैयार हूं, बट सीए सीएस इंस्टीट्यूट के अंदर भी मैं चाहता हूं कि रीचेकिंग आए, क्योंकि आप में रीचेकिंग है नहीं। बच्चा बिलीव मी सर तड़प रहा है, तीन तीन पांच पर अटेम्प्ट से तड़प रहा है, उसको यही नहीं पता नंबर कट कहां रहे हैं। और आप सब जानते हो मैंने पहले भी कई बार यूट्यूब पे बोला बट मेरी बात का फर्क पड़ता नहीं है ना सर, मैंने पहले ही भी कई बार कहा कि आपके जब भी एमसीक्यूज पेपर आते हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा, आप अपने इंस्टीट्यूट की ना गाइडलाइंस आंसर चेक कर लेना, उसके एमसीक्यूज में वो खुद बोलता है गलती है। अब सर सुनो, देखो 100 में से अगर वो 8 से 10 क्वेश्चन गलत डाल रहा है, जिसके आंसर गलत डाल रहा है, अब वो ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं या ग्रेस मार्क्स नहीं मिल रहे किसी को कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे क्योंकि उसने कहीं डिस्क्लोज नहीं किया। अब इस बच्चे के 30 नंबर है, 20 नंबर है, वो रीचेकिंग करवाना चाहता है, वो कहता है मेरे 30 नंबर आ ही नहीं सकते, अब वो टोटलिंग कर देते हैं बस, अब भैया उसको दोबारा रीचेकिंग करवानी है यार, पैसे ले लो यार, 500 रुपये ले लो, 1000 रुपये ले लो, कम से कम बच्चे की रीचेकिंग तो करो, बच्चे का भविष्य सुधर जाएगा सर। तो मैं तो ये बात कहता हूँ कि सीएस वाले जो भी हैं, बस सीएस वाले भी इस चीज को देखें, क्योंकि देखो अगर वो लोग बोलेंगे तो मैं आपके पूरी जिंदगी भर आपके साथ हूँ, जो करना होगा मैं करने को तैयार हूँ, बट पहले देखो प्रायोरिटी उनकी है। मैं अगर रिक्वेस्ट डाल भी दूंगा मेरी बात वो सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि मेरे पास सीए का मेंबरशिप है, मैं तो सीए वालों को इंस्टीट्यूट को बोलूंगा ना, वो मेरी बात का रिप्लाई कर देंगे क्योंकि मैं ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं उनका मेंबर हूँ, बट मैं आपके इंस्टीट्यूट का बच्चा कह रहा आप भी सीएस कर लो सर, मैं तो करना चाहता हूँ, मेरे से होगी नहीं ना, लो के पेपर है, लो के पेपर मेरे से मुश्किल है, आपसे बड़ा लोग का पूरे विश्व के अंदर महाज्ञानी कौन है सर, आप मैं कह रहा हूँ आपसे बड़ा पूरे विश्व में कोई लोग का महाज्ञानी है ही नहीं, आपने पूरी इन कंपनी के लोग संभालने हैं। मैं तो बस ये कहता हूँ कि भैया सीएस इंस्टीट्यूट भी जल्दी से जल्दी एक स्टेप ले ले, वो भी ये बात बोल दे साथ साथ कि मैं अपने बच्चों में भी रीचेकिंग का कर रहा हूँ जी, कोई बच्चा पेपर चेक करवाना चाहता है इतनी फीस है, 500 रुपये फीस रख दे क्योंकि इतना पैसा इंस्टीट्यूट के पास है यार, प्री टेस्ट वो ले रहे हैं 1000-1000 रुपये आपसे ले रहे हैं और घर बैठ के एग्जाम दिलवा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा प्री टेस्ट है क्या, बच्चों की वेबसाइट ही नहीं खुल रही, बच्चों को पता ही नहीं प्री टेस्ट में करना क्या आता है, सर हमारा एग्जाम दे दो, प्री टेस्ट मैंने एग्जाम दिया पास हो गया, बच्चा भी कुछ मैं भी कुछ, 1000 रुपये ले लिया, 1000-1000 रुपये कर करके इतना पैसा इकट्ठा हो गया, अब उस पैसे को लगाना कहाँ है, बच्चों की हेल्प में लगाना है सर। तो मैं तो इवन डियर आईसीएसआई से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आपको भी सर अपने बच्चों के लिए ये स्टेप जरूर लेना चाहिए, क्योंकि बिलीव मी बच्चों से ही इंस्टीट्यूट है और इंस्टीट्यूट तभी होगा जब बच्चे कुछ काम करेंगे, ठीक है जी। तो मैं यही बोलूंगा कि भैया आपके पास अगर किस दिन ऐसा मौका मिले, मतलब कोई रिफॉर्म्स की बात अगर छेड़े छिड़े तो आपने पीछे नहीं हटना, क्योंकि आपके बिना कोई पॉसिबल नहीं है, जैसे सीए वाले बच्चे अपनी जी जान लगाकर देखो अपनी चीज मनवाते हैं ना, और बिलीव मैं आपको दिखा रहा हूँ रिफॉर्म्स आएंगे, रिफॉर्म्स 100% आएंगे, क्यों नहीं आएंगे सर, आपको मैं कल ही दिखा दूंगा कितने लोग वहां पर होंगे, और ये लोग क्यों होंगे, क्योंकि जब शर्मा सर ने वीडियो बना के डाली इतनी वो फैल गई, इतनी वो फैल गई, इतनी वो फैल गई, वहां तक बात पहुंच गई और आईसीए ने क्या बोला, नोटिफिकेशन निकाल दी हम रिफॉर्म्स करने, चाहे वो नोटिफिकेशन पुरानी थी बट इट मीन्स बात वहां तक पहुंच चुकी है।
तो सर सोशल मीडिया में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है, वो आपके ऊपर है कि आप प्रॉब्लम क्या है। मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि देखो मैं आपके लिए वीडियो क्लास डालता हूँ, रिवीजन क्लास डालता हूँ, कम से कम यही शेयर कर दो। बच्चा कहता है क्यों करें, हमारा भला हो गया ना, बस बात खत्म। प्रॉब्लम पता है क्या, यही सबसे बड़ी दिक्कत है सर। अब जब मैंने रिफॉर्म्स की वीडियो बना के डाली था, क्या रिफॉर्म्स की वीडियो बना के डाली थी मैंने, भाई साहब 10,000 से ऊपर व्यूज नहीं है, 10,000, 10,000 की वीडियो में ट्रेंडिंग छोड़ो, 10,000 की वीडियो को मतलब पहुंची भी नहीं कहीं तक। और फिर भी उसके बाद भी रिफॉर्म्स आए, क्योंकि आपने मेल की, उसके बाद रिफॉर्म्स आए ना, तो इट मीन्स आप सब लोग अगर मिलकर काम करोगे ना, रिफॉर्म्स पक्का आएंगे। तो मैं तो इवन ये बात कहता हूँ कि CS इंस्टीट्यूट अगर मेरी बात कहीं से भी सुन रहा है, मेरी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि छोटे छोटे क्यूट क्यूट से जो बच्चे हैं, चाहे वो एग्जी के हैं, प्रोफेशनल के हैं, रिजल्ट में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। आपको डिस्क्लोज करना चाहिए कि हाँ भाई कैसे चेकिंग होती है, क्या स्टेप वाइज मार्किंग होती है, कितने स्टेप के कितने नंबर मिलते हैं, अगर बच्चा ये लिखेगा तो क्या मार्क्स मिलते हैं। ये सारी बात अगर बच्चे को पता हो तो मेरा बच्चा इतना नालायक नहीं है कि वो पास नहीं होगा। मेरे इतने सारे इंटेलिजेंट बच्चे, इवन पूरी CS फैमिली के इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो फर्स्ट शॉट में निकालने की काबिलियत रखते हैं। बट प्रॉब्लम क्या, बच्चा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। तो प्लीज मैं ये बात बोलूंगा कि अगर CS इंस्टीट्यूट भी ये स्टेप ले ले तो कितनी अच्छी बात है। और जो CA में ये रिफॉर्म चल रहे हैं, मैं 100% शर्मा सर के साथ हूं, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कल मैं वहां पर जाऊं, जितना मेरी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट उस अपने इंस्टीट्यूट के लिए हो सकेगा मैं उनके लिए करूंगा। और आपके लिए सर मेरी जान हाजिर है, आप एक बार तैयार तो हो जाओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बस एक बार अगर हमें करना है कि हाँ भाई रिफॉर्म्स अगर लाने हैं तो लाने, रिफॉर्म्स पक्का आते हैं। ठीक है, आपको पता नहीं है सर, आपके प्रोफेशनल के एग्जाम भी है ना, देखो आप तो CS बनने वाले हो, तो मैं बस मैं यही कह रहा हूँ कि भैया अपनी जिंदगी का ना, चाहे अब रिफॉर्म्स, देखो पता नहीं अब रिफॉर्म्स एक दिन का, चलो छुट्टी वाला तो आ गया, अब एक दिन की छुट्टी वाला रिफॉर्म तो आ गया, अब चाहे भैया अब रिफॉर्म्स पता नहीं रीचेकिंग आप में CS में आएगी नहीं आएगी, बट आए या ना, हमने अपना बेस्ट देना सर, हमने अपना बेस्ट देना, बात खत्म। हम डियर ICSI से बस रिक्वेस्ट ही तो कर सकते हैं, हम उनसे कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे तो रिक्वेस्ट है बस, हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके जो हमारे जो भगवान है, इट मीन्स जो मेरे बच्चों के भगवान है, अगर वो भगवान अपने बच्चों पर दया कर देंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है जी, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चाहे रिफॉर्म्स आपके इंस्टीट्यूट करे या ना करे, आपने अपना बेस्ट देना है, 100% अच्छा होगा कि आपने सच्चे दिल से मेहनत की होगी ना, पक्का पक्का CS बन जाओगे, आपके एग्जाम पक्का निकल जाएंगे। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर आप तो ना भावनाओं के अंदर बह जाते हो, यार आपकी बात जब आती है ना, मैं भी देख रहा था शर्मा सर की वीडियो देख रहा था मैं भी, कल की बात वो कहते कर रहे थे कि कल हम 11 बजे पहुंचेंगे, तो मेरे दिल में ये था, मेरे पास तो उनका नंबर नहीं है ना, मैं तो कहने वाला सर मैं कल आऊंगा, चाहे मैं CS की चाहे मैं CS के बच्चों को पढ़ाता हूँ, 5 साल से CS के बच्चे, और इतने सारे CS के बच्चे मुझसे जुड़े हैं, इतनी बड़ी मेरी फैमिली है, इवन मेरे CA के बच्चे मुझे नहीं जानते होंगे, बट मैं उनके लिए भी सर, उनके लिए भी, वो मेरे भाई हैं, वो मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए भी मैं हमेशा वहां पर खड़ा हूँ, क्योंकि वो मेरा भी तो इंस्टीट्यूट है सर। ठीक है, और जो CS के बच्चे हैं उनके तो मेरी जान हाजिर है, बट प्रॉब्लम क्या है, मैं अगर रिक्वेस्ट डालता हूँ मेरे कोई मानने वाला नहीं होगा, बट मैं चाहता हूँ कि CS इंस्टीट्यूट प्लीज़ 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 वो भी रीचेकिंग का लेकर आए CS वाले बच्चों।